नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। अन्न औषध प्रशासन की कार्रवाई संदेह के घेरे में, मास्क न पहनने वालों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने जीएमसी में हलचल तेज, और कर्फ्यू के पहले दिन व्यवसायी तथा नागरिकों में दिखी भागम भाग। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। अब समाचार विस्तार से। वाशिम जिले के कारंजा लार स्थित एक निजी इमारत में अन्न और औषध प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एमटीवी किट, नींद की गोलियां और सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियों का लाखों रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। कार्रवाई में 20 से 25 लाख रुपए का माल जब्त किया गया, लेकिन अन्य व औषध प्रशासन ने केवल 4 लाख रुपए का माल जब्त करने की कार्रवाई दिखाने के बाद ये पूरी कार्रवाई अब संदेह के घेरे में आ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार औषध प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने कारंजा लाड़ स्थित निजी इमारत में फर्जी ग्राहक भेजकर यहां प्रतिबंधित गोलियों की बिक्री होने की जानकारी प्राप्त की। बाद में इस इमारत में कार्रवाई कर गर्भपात के लिए उपयोग में आने वाली एमटीवी किट, नींद की गोलियां और सेक्स पावर बढ़ाने वाली वियाग्रा गोलियों का लाखों रुपये का माल जब्त किया, लेकिन कार्रवाई महज 4 लाख रुपये की बताए जाने के कारण ये कार्रवाई संदेह के घेरे में है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी सेटलमेंट होने की चर्चाएं गर्म है। अमरावती, अकोला, वाशिम और यवतमाल, इन जिलों में कारंजा लाल से ही गर्भपात की किट, नीम की गोलियां तथा वियाग्रा की गोलियों का माल सप्लाई किया जाता है। कारंजा लाल ये गर्भपात गोली बिक्री का बड़ा केंद्र माना जाता है। इस कार्रवाई की वरिष्ठ अधिकारियों ने योग्य जांच करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। शहर में कोरोना का संक्रमण काफी फैल गया है। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए प्रशासन ने कोरोना नियमावली का पालन न करने वाले नागरिकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस प्रशासन, राजस्व और महापालिका के कर्मचारियों को दिए हैं। इसके लिए अलग अलग दल गठित किए गए हैं। शनिवार सुबह शहर के बस स्थानक परिसर में कार्रवाई की गई। कई मास्क न पहनने वाले यात्रियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। बिना मास्क वाले वाहन चालक तथा ऑटो में यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई। बस थाना के उपहार गृह तथा रास्ते पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों को भी बिना मास्क वाले ग्राहकों को माल न देने की अपील की गई। शहर के जैन मंदिर के सामने स्थित दाना बाजार में कई दुकानों पर मास्क का उपयोग न करने वाले ग्राहक और व्यवसायियों पर कार्रवाई की गई। इसी परिसर की देशी शराब की दुकान के सामने कुछ शराबी बेफिक्र होकर मदिरा प्राशन करने का सामूहिक आनंद ले रहे थे, लेकिन कार्रवाई के लिए आई पुलिस के कारण उनके रंग में भंग पड़ गया और शराब तथा चखना और अपनी चप्पलें वहीं छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। बाद में शराब के दुकानदार पर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से बचने के लिए अनेक नागरिक पतली गलियों से निकलने का प्रयास कर रहे थे। उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, सिटी कोतवाली के थानेदार, शहर यातायात नियंत्रण शाखा के निरीक्षक गजानन शेलके आदि ने ये कार्रवाई की। सरकारी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि होने के कारण जिला सर्वोपचार अस्पताल पर काम का बोझ अधिक बढ़ गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी अस्पताल की स्थिति आगामी समय में भयावह हो सकती है। ये देखते हुए नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने की जीएमसी में हलचल तेज हो गई है। राज्य शासन ने अकोला समेत राज्य के लातूर, यवतमाल, औरंगाबाद के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को शुरू करने के लिए 888 पदों को मंजूरी दी है, जिसमें से अकोला के लिए 220 के आसपास पद मंजूर हुए थे। कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन पदों पर ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया जा सकता है, जिसके चलते जीएमसी पर आने वाला काम का बोझ भी हल्का होगा
और मरीजों के लिए भी सुविधाएं बढ़ सकती है। अकोला में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया है। आदेश जारी होने के दूसरे दिन रात 8 बजे बाजार बंद होना चाहिए था, लेकिन कुछ व्यवसायियों ने दुकानें बंद ही नहीं की थी। वहीं सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले भी अपनी हाथगाड़ियां हटाने का नाम नहीं ले रहे थे, जिससे पुलिस कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस की गाड़ियां जैसे ही सायरन बजाते हुए रास्ते पर दौड़ने लगी, वैसे ही पुलिस की सूचनाओं के बाद रात 8:30 बजे तक पूरा बाजार बंद हो गया था। सभी वाहन धारक अपने घरों की ओर दौड़ते नजर आए। व्यवसायी भी अपने अपने प्रतिष्ठान जल्दी जल्दी बंद करते दिखाई दिए। कुछ प्रतिष्ठान संचालक और सड़क किनारे व्यवसायी करने वाले लघु व्यवसायियों ने कर्फ्यू को गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने व्यवसाय शुरू रखे थे, किंतु 8 बजते ही पुलिस ने सूचनाएं देकर प्रतिष्ठान बंद करवाए। हर चौराहे सड़क पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे, जिससे चंद मिनटों में ही पूरा बाजार बंद हो गया। सड़कों किनारे लगी पानीपुरी, नाश्ते की गाड़ियां लेकर लघु व्यवसायी और अन्य नागरिक घरों की ओर निकलते नजर आए। कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। प्रशासन के आह्वान को नागरिक प्रतिसाद नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक ने शहर में दौड़ने वाले ऑटो, काली पीली गाड़ियां, मैक्सिमम वाहन आदि वाहनों पर कोरोना नियमों की अनदेखी करने वाले यात्री तथा चालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। शहर यातायात नियंत्रण शाखा के निरीक्षक गजानन शेलके ने अपने सहयोगी कर्मचारियों की मदद से एक ही दिन में लगभग 80 से ज़्यादा वाहन जब्त कर उन पर कार्रवाई की। शहर यातायात नियंत्रण शाखा कार्यालय का परिसर इन वाहनों की भीड़ के कारण भर गया था। कोर्ट के आदेश मिलने के बाद ही यह वाहन चालकों को सौंपे जाएंगे। प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का कड़ाई से पालन कर वाहन चलाए, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनन अपराध दर्ज कर वाहन जब्त किए जाएंगे, ऐसी जानकारी यातायात नियंत्रण शाखा के निरीक्षक गजानन शेलके ने सिटी जंक्शन को दी। अकोला शहर आणि जिल्ह्यामध्ये वाढत असलेले कोरोनाचे पेशंट बघता, कोरोनाचा प्रादुर्भाव बघता जिल्हा प्रशासनाने जे आदेश दिलेले आहेत त्या आदेशाप्रमाणे शहर वाहतूक शाखा अकोला शहरामध्ये नियमाचा भंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करत आहे। त्या अनुषंगाने जवळपास 50 ते 55 वाहनं आतापर्यंत आम्ही लावलेली आहेत। जिल्हा प्रशासनाचा आदेश आहे की ॲटोमध्ये 1+2 आणि मोठ्या गाडीमध्ये 1+3 यापेक्षा जास्त प्रवासी किंवा माणसे आतमध्ये बसून प्रवास करणार नाहीत। त्या अनुषंगाने विशेष मोहीम आम्ही कालपासून सुरू केलेली आहे। जिले में कोरोना का संक्रमण उग्र रूप धारण कर फैलता जा रहा है। ऐसे हालातों के बीच कोरोना के संदर्भ में एहतियाती उपायों को कड़ाई से पालन करने के लिए आम जनता को बाध्य करने के लिए विभिन्न धर्मगुरु, पुजारी एवं महंत प्रशासन तथा जनता के बीच सेतु का काम कर उन्हें संक्रमण की भयावहता समझाए तथा प्रशासन को सहयोग करे, इस तरह की अपील प्रशासन ने की थी। जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन सभागृह में इस सभा का आयोजन किया गया था। जिले में अलग अलग धर्म संप्रदाय के नागरिक बसते हैं, जो अपने अपने प्रार्थना स्थलों में समय समय पर पूजा पाठ और प्रार्थना आदि के लिए आते हैं। वहाँ के धर्म गुरु भी नागरिकों के लिए पूज्य होते हैं। वह नागरिकों को कोरोना नियमावली का पालन कर कोरोना से बचने के लिए उपदेश कर सकते हैं। इसीलिए धर्म गुरुओं ने अपनी भूमिका रखते हुए प्रशासन को सहयोग देने की बात मानने की। नागरिकों में कोरोना नियमों का पालन करने हेतु जन जागृति करने का आश्वासन उन्होंने दिया। आज कलेक्टर ऑफिस में कोरोना वायरस के मुतालिक मीटिंग हुई, जिसमें तमाम इमाम लोगों ने शिरकत की। कलेक्टर साहब की तरफ से ये मशवरा दिया गया कि आप तमाम लोग जुमे के अंदर ये ऐलान कर दें कि कोई भी नमाजी बग़ैर मास्क के मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश ना करें। बग़ैर मास्क के रहेगा तो उसके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा, और नहीं मानेगा तो हम डंडे का इस्तेमाल भी करेंगे। लिहाजा मेहरबानी करके आप लोग बग़ैर मास्क के मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश ना करें। अकोला जिले के निम्बा फाटा में ईगल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भ्रष्टाचार कर निकृष्ट दर्जे का रास्ते का निर्माण किया गया है। इस रास्ते के निर्माण कार्य की जाँच योग्य तरीके से की जाए
और ईगल कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कार्यकारी अभियंताओं पर निलंबन की कार्रवाई की जाए आदि मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन निम्बा फाटा परिसर के व्यापारी और नागरिकों ने आमरण अनशन आरंभ किया है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक ये आंदोलन जारी रखने की चेतावनी इन आंदोलनकर्ताओं ने दी है। अब वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। पुलिस छावनी बना यूपी का उन्नाव, कड़ी सुरक्षा में दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार, तीन लड़कियां खेत में बंधी हुई पाई गई थी। 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे किसान, आंदोलन के संस्थापक चाचा अजीत सिंह की याद में मनाएंगे दिन, किसानों के आत्मसम्मान में इस दिन को मनाया जाएगा। महापंचायत के जरिए सचिन पायलट ने दिखाई ताकत, महापंचायत में नहीं पहुंचे सीएम गहलोत, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में चल रहा है टकराव। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया अभिवादन, प्रधानमंत्री ने कहा महाराज भारत माता के अमर सपूत। बगैर हेलमेट के वाहन चलाना विवेक ओबेरॉय को पड़ा महंगा, मुंबई पुलिस ने काटा 500 रुपए का चालान, वैलेंटाइन डे के दिन पत्नी के साथ बिना मास्क की सवारी। शबनम के बाद फांसी पर लटकाई जाएगी दो बहनें, 42 बच्चों को अगवा कर हत्या करने का है आरोप, 10 साल पहले रेणुका और सीमा को सुनाई गई थी फांसी की सजा। गलवान में मारे गए चीन के 5 लश्कर के अधिकारी चीन ने अधिकृत तरीके से मानने की बात, पीपल्स लिबरेशन के मुख्य पत्र पीएलए डेली ने किया समाचार प्रसारित। शिवनेरी पर मनाया गया शिव जन्मोत्सव समारोह, मुख्यमंत्री ठाकरे अजीत दादा आदित्य ठाकरे सांसद संभाजी राजे उपस्थित, सभी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को किया अभिवादन। महाराष्ट्र में शुक्रवार को पाए गए 6112 कोरोना मरीज, विदर्भ में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, अमरावती यवतमाल में नहीं मिला कोरोना का विदेशी स्वरूप। महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव बैंक के 25,000 करोड़ रुपयों का घोटाला, अन्ना हजारे बोले शरद पवार बैंक घोटाले के मुख्य सूत्रधार, आरोपियों को क्लीन चिट के खिलाफ हजारे ने दायर की याचिका। पैन कार्ड है तो अब आसानी से मिलेगा बैंक लोन, बैंक इसके लिए 3 साल का रिटर्न नहीं मांगेगी, पैन के जरिए ही ग्राहक की क्रेडिट हिस्ट्री का चलेगा पता। पूजा चौहान आत्महत्या मामले में पुणे पुलिस की जांच पूरी, राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस महानिदेशक ने सौंपी रिपोर्ट, जरूरत पड़ने पर मंत्री संजय राठौर से होगी पूछताछ। श्रीनगर में सरे रहा आतंकी हमला, पुलिस वालों पर 2 आतंकवादियों ने किया गोलीबार, हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। ममता के भतीजे के मानहानी केस में गृह मंत्री शाह को समन, 22 फरवरी को पेशी का आदेश, कोलकाता की रैली में अमित शाह के बयानों पर जताई आपत्ति। पेट्रोल डीजल के वाहनों की कीमत होगी एक समान, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी, का इलेक्ट्रिक वाहन चलाने से होगा प्रदूषण दूर। यशराज बैनर इस वर्ष करेगा 5 फिल्में रिलीज, संदीप और पिंकी फरार, बंटी और बबली 2, शमशेरा, जयेश भाई जोरदार और पृथ्वीराज, ये है 5 फिल्में। राधेश्याम में प्रभास पहनेंगे 6 करोड़ रुपए का कॉस्ट्यूम, प्रभास के साथ दिखेगी फिल्म में पूजा हेगड़े, इन दिनों फिल्म का ट्रीजर है चर्चा में। इन दिनों चर्चा में रविचंद्रन अश्विन, आईसीसी के टॉप 5 ऑलराउंडर्स में हुए शामिल, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर है अश्विन। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। अन्न औषध प्रशासन की कार्रवाई संदेह के घेरे में, मास्क न पहनने वालों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने जीएमसी ने हलचल तेज,
और कर्फ्यू के पहले दिन व्यवसायी तथा नागरिकों में दिखी भागम भाग। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात।